जिते धार्मिक आदमी जॉब लिया गई आप ही धर्म तो विरुद्ध हो गया। इतने होबे की लड़ाई है ना, धर्म की कोई लड़ाई नहीं है। मस्जिद बनाने की या मंदिर बनाने की लड़ाई होबे की है, कारियां की लड़ाई है, धर्म बंदा इन्हें कोई भी नहीं है। किन्ही बनजिया कलसी तांबा, किन्ही लोग सुपारी, संतो बनजिया नाम गोविंद का, ऐसी खेप हमारी। किन्ही बनजिया हम धर्म के नाम से व्यापार कर चलता है। कलसी तांबा कलसी की होती है, जेड़ा ज्ञान है चिट्टा होता है, कलसी भी चिट्टी होती है। साखियां का ज्ञान गुरु नानक ने व्याख्या की है, गां जाके उज्जुल कहना चिलकना कहना कांसी नू कहने ने, कांसी जिहड़े भांडे हुंदे ने कहिंदे बड़ा उज्जल लगदा दूरों देखण नू, इह विद्वान बड़े उज्जल ज्ञानवान लगदे ने, पर जद कसा के देखिए कसमट कालड़ी मस हथ काला हो जांदा है। जगराइए उहनू सारी कांसी कस जूगी, कांसी काली निकलूगी देखण नू चिट्टी है। जेड़ा विद्वाना का ज्ञान है, जे बिचारीए सारा ही भरम ज्ञान है, सारा ही काला अंदरों उत्तो उत्तो लगता तुहानू ज्ञान है, सारा ही काला है। विद्वाना का अंदर सारे का काला है, पंडित का अंदर काला है, ज्ञानी ग्रंथियों का अंदर काला है, संतों के अंदर काले ने सब। ब्रह्म ज्ञान सिर्फ चिट्टा है, गुरमत का ज्ञान चिट्टा है, बाकी सब काले ने। सूरज की रोशनी जिहड़ी है गुरबाणी कहती है, कहते दिन में रहन आ, हुण सूरज ना नेरा बिच है, दे दीदा नहीं है, चिट्टा दीदा है, कसम टकाल नहीं, बस सूरज नूं गायब करो नेरा, फिर उत्थे ही है। कित्थों आया, कित्थों आया, ओ बिचे ही है, किते नहीं गया है, नेरा नेरा नहीं कदे गया। एक सेकंड वास्ते सूरज नूं गायब कर दो, लाइट एक सेकंड वास्ते ऑफ कर दो, जदे नेरा उत्थे ही हुंदा, एक सेकंड च के पै जाऊ। तुसी बंद कर दो चारे पासे दे दरवाजे, नेरा तां है नहीं उत्थे, लाइटां जगदियां ने, लाइट ऑफ करो नेरा कित्थों आ गया, कहिंदा टपके किवें आ गया नेरा, भाई नेरे जिहा जगह ही नहीं सी कोई आउण नूं, आया कित्थों, नेरा गया ही नहीं किते। जिन्ना दुनियावी चानण है संसारी ओदे विच नेरा हुंदा है, जिन्ना दुनियावी ज्ञान है ओदे च भरम हुंदा है, सारे भरम ज्ञानी ने। जिन्ने मायाधारी ने उन्हां दे अंदर भरम हुंदा है, परम ज्ञानी ने हो सारे, सदो गुण तक परम ज्ञानी ने, सदो गुण तक की खाई की गल की हुई है, चलती है उपर, जिथे तक माया है उथे तक अज्ञानी ने सब परम। माया मगर है वो तो माया जो सुख भाल, सुख माया चाहिए, माया प्रोस्पैरिटी के सुख भाल, सुख है नहीं, दुख ने सगल श्रेष्ठ को राजा दुखिया दुखिया, तू तो सुख भाल। जिन्हिया बीमारियां बड़े आदमी उन्होंने खतरनाक बीमारियां, हर बार डॉक्टर ना रहने उन्होंने, राणे शास्त्री नू बाहर जद अटैक हो गया, जंगे भले अटैक क्यों हो गया, उन्होंने कब्बे आए जाने चंगे भले नु तंदुरुस्त नु अटैक होया, तो बीमार बड़ी सी, जिन्नी बड़ी जिम्मेवारी उड़ा बड़ा चिंता, उड़ी बड़ी गलती हो जाती है उन्होंने, कम जरा करू तो गलती तो होगी, जो करू नहीं तो गलती की होनी है, करू तो गलती भी हो ठीक भी हो, आखिर इंसान है ना,
इंसान से तो गलती होंगी ही रहती है। किन्हीं ही बन गया कंसी तांबा, किन्हीं ही लोग सुपारी तांबा कंसी, संसारी ज्ञान कंसी ते सिक्के तांबे रहते हो, पैसे तांबे होंगे सी ना, संसारी ज्ञान तांबा संसारी धन तांबा पैसे तांबे दे होंगे सी, संसारी ज्ञान कंसी। किन्नी लोग सुपारी चढ़ते ने उथे पूजा ते जेड़े चलाउंदे ते ना अलौंगर सुपारी खांदे ने पान पूज पैंदे सी, ए देवतां दे चढ़दे हुंदे ने लोग सुपारी पहलो चढ़ावा। किन्नी लोग सुपारी संतो बंजिया नाम गोविंद का है काशी का जरा है ना हिंदू मत का संसारी ज्ञान का आ चीजा ने लौंग सफारी चढ़ावा लेके जाना, संसारी ज्ञान की कथा करनी है, वाया वो तांबा उठे चढ़ाने पूरे प्रतीक की गल कर रहे हो, अपनी बुझात की गल कर रहे, कंसी तांबा के लिए लौंग सफारी संतो बन जा नाम गोविंद संतो बन जा नाम गोविंद का ऐसी खेप हमारी संता ने एक जी उसे चार चीजा ने वो चार ने ना चारे वेद ने चार प्रकार का ज्ञान है, कोई चीज है नाम गोविंद गोविंद का ज्ञान गोविंद की है अपने मूल की सोची ना संतो बन गया नाम गोविंद का ऐसी खेप हमारी साढ़े को ही संत है और कोई नहीं, सारी खेप च कोई चीज है साढ़े नाम गोविंद का नानक के कर केवल नाम केवल नाम ताने लौंग सफारी साढ़े है नहीं कांसी तौबा है नहीं भाई वो तो लै लो जाके और कित और दुकाना बहुत ने हर के नाम के व्यापारी हर के नाम के व्यापारी हीरा हीरा हर मुल्क छूट दी संसारी इस करके साढ़े को हर का नाम है यही व्यापारी यही व्यापार करते कांसी तौबा साढ़े को है ही नहीं तुम्हें बन जाए नहीं साढ़े तो हद हीरा चढ़ गया निर्मोल छूट गई संसारी पर संसारी जेड़ा कांसी तांबा लौंग सुपारी संसारी है सब कुछ ये संसारी चीजा से छड़ती ये सौदे छड़ते बेचने कांसी तांबा लौंग सुपारी संसारी है नाम गोविंद का संसारी नहीं है दरगाही है सौदा ये नाल जान वाला है वो कांसी तांबा इथे रह जूगा कांसी तांबा इथे रह जूगा सारा उन्हें नाल जान किनी लौंग सुपारी संतो बन जा नाम गोविंद का ऐसी साढ़े को ही कुछ है भाई है ही नहीं कुछ हजर नामे के व्यापारी हीरा हाथ चढ़े और निर्मोल की छूट गई संसारी संसारी सारी वो छूट गई साड़ी तो शरीर भी छुटे आया संसारी हुई है सच लाए तो सच लागे सचे के व्यवहारी सचे लाए तो सच लागे सचे के व्यवहारी सच्चा लावे ना अंदरला मन सच्चा है बाहरला मन झूठा है अंदरला मन है ना उन्हें लाए है इधर ता सच नु जुड़ता है बाहरला ता माया ते फसा के रखदा है अंतरला तो उनकी आवाज में जुड़े ता सच नु जुड़ता है कोई सचे लाए तो सच लागे तो सच लागे सचे के व्यवहारी सचे सच का व्यापार कर देन व्यवहार कर देन सची वस्त के भार चलाए पहुंचे जाए पढ़ारी पर जेडे सची वस्त के भार चक के चलते ने ना सच का सौदा रखते ने पढ़ारी जितो सच आ जितो दरगाह उथे पहुंच जाने पढ़ारा उथे ही है उतो ही आया सच सारा सच खंड चो आया सच सच खंड पहुंच जाते ने भंडारा उथे है सच खंड च सच का सची वस्त के भार चलाए पहुंचे जाए पढ़ारी आप रतन जवाहर मानक आपे है पासारी आपे रतन जवाहर मानक आपे है पासारी ए रतन जवाहर मानक आपे ही है ए जड़ा मत विच रतन जवाहर मानक ए जड़ी मत है ए जड़ा नाम है यही रतन जवाहर मानक है आ जड़े संसारी रतन जवाहर मानक ने ए तो माया दे
ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੈ ਰਤਨ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੈ ਮਾਨਤਾ, ਨਾਮ ਹੈ ਜਵਾਹਰ, ਇਹਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸੰਸਾਰੀ ਵੀ। ਸਾਰੀ ਸਿਟੀ ਇਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੈ। ਮਨ ਕਰ ਬੈਲ, ਸੁਰਤ ਕਰ ਪੈਂਦਾ, ਗਿਆਨ ਡਾਰੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਬੈਲ ਕਰ, ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਦਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਮਨ ਕਰ ਬੈਲ, ਸੁਰਤ ਕਰ ਪੈਣਾ, ਗਿਆਨ ਗੋਲ ਭਲ ਡਾਰੀ। ਅੱਗੇ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਲੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਮਾਨ, ਜੇ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵਪਾਰੀ, ਦੋਸਤਾਂ ਚ ਬੋਲਦੇ ਰਹਦੇ ਸੀ, ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਸਮਾਨ ਲੱਦ ਕੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੇ ਬੈਠਾ ਦਿਖਾ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘੋੜੇ ਕਾਲੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆਏ ਨੇ, ਘੋੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ ਪਿੱਛੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੋਲਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਮਨ ਕਰ ਬੈਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਮਨ ਬੈਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਦਣੇ ਬੋਝ। ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਇਹਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਧਿਆਨ ਦਾ, ਧਿਆਨ ਸਫ਼ਰ ਗਿਆ, ਧਿਆਨ ਇੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ। ਸੰਸਾਰ ਚੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਨਿਰਾਕਾਰ ਨਾਲ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰਾਕਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਚ ਧਿਆਨ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਿਰਾਕਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਇਹ ਪੈਂਡ ਹੈ। ਪੈਂਡਾ ਮੁੱਕੂ ਕਿਵੇਂ, ਪੈਂਡਾ ਦਾ ਰਾਹ ਕੀ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਦਾ, ਸੁਰਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਕਿੰਨੀ ਅੱਗੇ ਜਾਊ, ਜਿੰਨੀ ਅੱਗੇ ਓਨੀ ਅੱਗੇ ਜਾਊ ਸੁਰਤ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਗਿਆਨ ਲਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਓਨਾ ਧਿਆਨ ਕਾਹ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਕਰ ਬੈਲ, ਮਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਸਮਾਨ ਲੱਦਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭੱਜਿਆ ਨੀ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਭੱਜਿਆ ਫਿਰ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਖੜ ਜੂ। ਜਿਹੜੇ ਗਦੇ ਤੇ ਆ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਮਾਨ ਲੱਦ ਕੇ ਲੋਕ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਖੜਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਗੋਣ, ਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦਾ ਤੋਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਕਹੇ ਤਾਂ ਗਾਹਾਂ ਤੁਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਗਾਹਾਂ ਤੋਲਣ ਦੀ ਤੁਰਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਖੜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਖੜ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਮਨ ਦਾ ਹੈ ਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਬਣਦਾ ਨੀ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਹੈਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਸਾਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ, ਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ, ਮਾਲਾ ਦੇ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ, ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੈਂ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਰੋਕ ਦੇਣਾ ਉੱਥੇ ਨੇ ਰੁਕ ਜਾਣਾ, ਕੰਮ ਨੀ ਹੈ ਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨਾ ਮਨ ਨੇ, ਮਨ ਨੇ ਕੰਮ ਨੀ ਕਰਨਾ, ਮਨ ਨੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਨਵਰ ਪਰ ਮਾਲਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਥੀ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਘੋੜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੁਲਦ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਂਗੂ ਪੇਟੇ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਜਾਨਵਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਚੁਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਪੇਟ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਵਾਲੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਹਜਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਪਸ਼ੂ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਫਿਰ ਪਸ਼ੂ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਵਰਤੀ ਦੀ, ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਵਰਤੀ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਵਾਲਾ ਪਸ਼ੂ ਹੈ,
बंदे नु क्या बंदे बंदगी अख्तियार 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 करना मन ला अख्तियार करना उन्हें मन लेना बंदगी का मतलब है पाबंदी मन तो मालिक दी पाबंदी जरा है बंदगी का मतलब पाबंदी होंगे बंदे सोच रहे हैं बच्चे बंदी बंदी का मतलब बंदी जेल भी कहते हैं बंदीखाना बंदीखाना बाउंड्री पे रहते ने संतोख बंदीखाना संतोख की बाउंड्री है एक संतोख च रहना भगती है ये नहीं भी मानना हो या पत्थर में बैठ जाना पत्थर में बैठा तो कम नहीं करू कम देना ने लेना नहीं मन बुद्धि तो कम लै रहा कम दे नहीं रहा जे बच्चा मां बाप तो कम ले नहीं ले ही रहा तो वह तो अपनी मर्जी पूरी करा रहा फिर बनवाओ ला दो बनवाओ ला दो बनाओ लेना बनाओ लेना वो तो अपनी मर्जी पूरी करा रहा कम देना बच्चे ने जे बच्चा कम दे रहा है मां बाप के अनुसार तो वह कुछ कमा रहे हैं जे कम ला रहा फिर वह गवा रहा फिर तो डिमांडा ने पैसे ले जाते खर्चे होंगे पैसे ले जाते खर्चे होंगे फिर कमा दे गुआ रहे फिर जे मन कम ला रहे हैं बुद्धि तो फिर सब कुछ गुआ रहे हैं जेडे लोग कहते हैं कि मनो आजाद छोड़ो रजनीश भी कहना वह पुठी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं असल मनमुख ने असल धर्म विरोधी ने लोग बड़े शरारती ने शरारती आदमी भी जेडे छात्र आदमी होंगे ना दिमाग दूजे ना ज्यादा रखते होंगे ने जे ज्ञानवान छात्र हो जाए बड़ा खतरनाक होंगे वो ज्ञानवान छात्र ने जड़े ना छात्र ज्ञानवान थे तो नहीं बहुत छात्र सी इसे करके किसी मुल्क ने नहीं उन्हें लड़ दिता सियाने बंदा पछाण लिया वो छात्र है किसी ने नहीं लड़ दिता छात्र सी मन को खुला छोड़ो अग ते तेल पाओ आपे बुझू अग ते लकड़ियां पाने लो तेल पाने लो आपे बुझूगी किवें बुझूगी प्रैक्टिकली जेड़ा थ्योरी प्रैक्टिकल जाके फिर हो जाए और थ्योरी छात्र आदमी की घड़ी होंगी जरा कहना मन आपे हो जू है जीव छात्र एनिया जूना हो गया नहीं जहां तो भुख उतर दी उन्हें भुखिया भुख ना उतरा जो बनना पूरी पर गुरबाणी बनती है ये सारे सियाने बनते ने और तो विरुद्ध गल करता सी बहुत छात्र आदमी सी अख भी छात्र वाली सी उसकी अख दल दी टिकी हुई अखे नहीं सी उसकी छात्र वाली अख सी जेड़े वो पिछे चले हैं उन्होंने चल उन्होंने करैक्टर तो पता लग जाता है देखो ना जेड़ा आदमी प्रैक्टिकल करैक्टर होंगे बंदे का प्रैक्टिकल जिंदगी होंगी वो जो पता लग जाता भी कहे जे बंद प्रभावित ता करता तो बंदे आप ना सियाना सी गल्ला कुछ होर करता था प्रैक्टिकली खिलाफ सी ये ठीक है दुनिया के कम पर दूजे धर्म भी छात्र बंदा नहीं बनाए हुए ने गुरबाणी पंडित भी छात्र बनती है गुरबाणी संत भी बनारस का ठगे बनती भी छात्र होंगे पर उदे ज्यादा छात्र सी हो बद छात्र सी बद छात्र संत भी ना है बहुत पर बोलते नहीं सी वो बोलते नहीं जब वह बोलन लगे फिर वो चुप कर गया ये चेलिया तो असल संतों ने जो ज्यादा छात्र ने उन्होंने लाया चेलिया ने इन्होंने बड़ा अहंकार से भी पता नहीं रजनीश की है ज्यादा शांत छेती शांत क्यों हो गए दूजिया ने जो जवाब दिते और सवाल किए तो ज्यादा शांत हो गए जो तो गां भी ना लोग छात्र पर अपने आप का जेड़े अपने आप का छात्रा ज्ञान उन्होंने लुको के रखते ने जाहर नहीं करते उन्हें जाहर करता
संत जार नहीं करते, जार करते ने कर्म भी करी जाते, उन्हें जार करता इस करके फेल हो गया, बुखर हो गया। अगे आया कई धर्म छात्र पैदा हुए ने, बुखर हो गए, बुखर फेल हो जाता। ये संत मुखर नहीं होंगे, कहते हो ना करते हो जरा कहता से वही जरा करता से वही कह लग गया हो गया तो जो अंदर की गल सी वह बाहर ले आती बोल गुरबाणी जो कहती है वही करती है गुरबाणी छात्र है ही नहीं छात्र वास्ते गुरबाणी जगह ही कोई नहीं छात्र लोग आ कुछ है ये क्यों कुछ है गुरबाणी छात्रा के खिलाफ है छात्रा ने कहा भी गुरबाणी च बड़के सिखी च बड़के फेल कर दो असलसे वाला कौन है छात्र है ये कौन लड़े ने छात्र ने उत्तो कल सिखी भी करते हैं अंदरों कर्म दुए करते हैं भी सिखी भी आराम हो जाए सिखा ही बहुत आवड़े छात्र बंदे बहुत बड़े छात्र छात्र आ गए सारी हूं भी छात्र है लोग जो दस गुरु का विरोध करते हैं छात्र ने वो कुछ नहीं हमारे सिखी का सिखी का तो कुछ नहीं दे सकते हुक्म नहीं दे सकते वो जो उन्होंने सर मंगे दे देंगे सिखी को कुछ नहीं देते सिखी का तो दे कुछ भी नहीं सकते हो लीडर बनना चाहते ने इतने तो सिर दे के दास बनता लीडर का लीडर दास बनता सिर दे के दास बनता तन मन तन दे के दास बनया जाता सिखी च वह बिना को कितने लीडर बनना चाहते ने उन्होंने अकल नहीं है भी सिखी होंगी की है धन सब सौंप गुर को हुक्म मनिया पाइया फिर की कहते ज्यों तू चलाए तो मैं चलना सौ भी दास हो गया ज्यों तू चलाए तो मैं चलना कह रहा है जिमें गुरबाणी कहती है वह मैं चला गुरबाणी जरूर समझो कोई ना अपन गल करते गुरबाणी की नहीं गल करते अपनी गल करते अपने राह गुरबाणी मोड़ के चलाना चाहते ने बहुत छात्र ने तकड़े बाबे नानक की गल करते ने बाबे नानक की गल समझते नहीं बाबे नानक की गल तो गुरबाणी च है तुझे कोई पता लग गया थानू भी गुरबाणी आ कहते जे कोई गल पुछ लवे गुरबाणी दे विच कोई भेद की गल पुछ लवे फिर विद्वाना नू कहते ने भी कोई विद्वान दसो जी ये गल की है तू बाबे नानक का प्रचार करदा है जवानी करी जाने अपने मत का प्रचार करते ने बहुत छात्र लोग ने छात्रा ने छात्रा ने सिखी बिगाड़ी है सारे छात्र आवड़े बिच तो जेड़े दुए सी असली तो हो गए हाशिए ते चले गए तो चुप्पे करके जेड़े असली थे जेड़े लीडर थे वह भी छात्र थे जेड़े राज करेगा खालसा ने सारे छात्र ने भी ए भी उत्तों उत्तो सिखी दिया गल करते ने अंदर सब कोई भी नहीं है इन्होंने सिखी का हाल अज जो हो गया इन्हों की कृपा ना है इन्ने नहीं सिख बनते होंगे कदे ना बने ने भगतों तो नहीं बने इन्ने सिख भगतों की मगर कि दुनिया लग गई सी भगतों मगरों एक भी होर सिख नहीं पैदा होया एक भी बंदा नहीं गुरु नानक में मिलया जेड़ा मिलया वह कौन सी गुरु नानक भगत किसी ने पैदा नहीं किया गुरु नानक परमेश्वर ने भेजा सी सीधा ही कबीर अपना जद्दोजहद ना पैदा होया सी कबीर कबीर की भुख से जद्दोजहद की कबीर ने सारी जिंदगी माला फेरी नहीं कुछ मिलया फिर माला गया उतो समझ आ गई होर भगत भी सी भुख सी जे भुख लगे आवे नाम दी वह भुख पूरी होंगी है ये नहीं हो सकता भुख पूरी ना हो एक रिकॉर्ड है भुख हो नाम दी फिर पूरी होंगी है जो कुछ लिखा हुआ है गुरबाणी च तो होर असी बोलते हैं जे उन्होंने टारगेट बना लवे फिर पूरी होंगी है
ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਸੀ, ਰਿੰਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਰਿੰਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਦੀ, ਲਾਲਚ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਭੁੱਖ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਭੇਜਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਵਿਚਾਲੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੋ ਲੜੀ ਗਾਹਾਂ ਤੁਰੇ। ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਭੇਜਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਸੀ। ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੈ ਨੀ, ਜਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਜੋ ਵੀ ਸੇਧ ਲਈ ਹੈ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆ ਕੇ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ, ਭੁਲੇਖੇ ਬਿਨਾਂ ਅਸਲ ਜਨਮ ਲੈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੋਮੇ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਅਵਤਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਮ ਚ ਆਇਆ ਹੋਮ ਚ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਜਾਣ ਲੋਕ ਹੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਵਾ ਸਮਾਨੇ ਹੋਵੇ ਉਹ ਚ, ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀ ਹੋਂ ਰਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੋਮ ਚ ਆਇਆ ਹੋਮ ਚ ਗਿਆ, ਹੋਮੇ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਅਵਤਾਰ, ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਹੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਲ, ਹੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੁਰਗ ਚ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਰਗ ਉਦੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਸੁਰਗ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਪਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਜੰਮਿਆ ਨੀ, ਇੱਕ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਰ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਖੇਤ ਚ ਪਏ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਪਏ ਨੇ, ਫਰਕ ਕੋਈ ਨੀ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦਿਖਦਾ, ਖੇਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇਖਦਾ, ਸੁਣਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਚੀ ਨੀ, ਜਾਂ ਜੰਮਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੀਜ ਬੀਜੋ ਸੂਝੇ ਕੋਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਏ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਤਾਂ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਸੱਚਖੰਡ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਆਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਉਹਦੀ ਦੇਹ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਸੁਣਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਜੇ ਉਹ ਦੇਹ ਹੈ ਨੀ, ਜੇ ਦੇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੂਗੀ, ਪਿਆਸ ਲੱਗੂਗੀ, ਪੇੜ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪੇੜ ਵੱਧਦਾ, ਦੇਹ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਘਟਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੀਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਹੈ। ਪਿਆ ਨਿੱਜ ਉਹ ਜਦ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ, ਉਹ ਨਿੱਜ ਘਰ ਚ ਪਿਆ, ਉਹ ਨਿੱਜ ਘਰ ਚ ਪਿਆ, ਜੋ ਨਿੱਜ ਘਰ ਧਰਤੀ ਚ ਪਿਆ। ਨਿੱਜ ਘਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੈ, ਪੇੜ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਆਕਾਸ਼ ਚ ਵੀ ਹੈ, ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਪੇੜ ਪੇੜ ਜੜ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਚ ਹੁੰਦਾ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਚ ਹੁੰਦਾ, ਆਕਾਸ਼ ਚ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਵੀ ਲੱਗਦਾ। ਪੇੜ ਦਾ ਬੀਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਹੈ ਉਹ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ, ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਜੰਮਣਾ, ਪਰ ਬੀਜ ਹੁੰਦਾ ਸਾਬਤ ਹੈ, ਸਾਬਤ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਉੱਗਿਆ ਨੀ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਚ, ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ ਸਿਰਫ। ਉੱਗਿਆ ਨੀ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਕਿਉਂ ਨੀ ਉੱਗਿਆ, ਮੌਸਮ ਨੀ ਸੀ, ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਜੇ ਤਾਂ ਉੱਗਵਾ।